श्रीमान राजनाथ सिंह जी, विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, स्पेन और राज्य सरकार के मंत्रीगण, एयरबस और टाटा टीम के सभी साथी, देवी और सज्जनों, नमस्कार। बुएनोस दियास। मेरे मित्र पेद्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C-295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। दो साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अनावश्यक देरी न हो। जब मैं गुजरात का सीएम था तब यहीं बड़ोदरा में ही बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ था। इस फैक्ट्री को भी रिकॉर्ड समय के भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था। आज इस फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए
भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। साथियों, किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 बड़ी कंपनियों में बदला, डीआरडीओ और एचएएल को सशक्त किया, यूपी और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए। ऐसे अनेक निर्णयों ने डिफेंस सेक्टर को नई ऊर्जा से भर दिया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1000 नए डिफेंस स्टार्टअप बने हैं। बीते 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, आज हम भारत में स्किल्स और जॉब क्रिएशन पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। एयरबस और टाटा की इस फैक्ट्री से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के कारण एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। देश के किसी हिस्से से एक पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो देश के किसी दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर होगा। और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। हमारे एमएसएमईज इस काम का नेतृत्व करेंगे। हम आज भी दुनिया की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए पार्ट्स के बड़े सप्लायर में से एक हैं। इस नई एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से भारत में नई स्किल्स को, नए उद्योगों को बहुत बल मिलेगा। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के
सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को। अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। साथियों, भारत के इन प्रयासों में वडोदरा शहर एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ये शहर पहले से ही एमएसएमईज का स्ट्रांग सेंटर है। यहां हमारी गतिशक्ति यूनिवर्सिटी भी है। ये यूनिवर्सिटी हमारे अलग अलग सेक्टर के लिए प्रोफेशनल्स तैयार कर रही है। वडोदरा में फार्मा सेक्टर, इंजीनियरिंग एंड हैवी मशीनरी, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, पावर एंड एनर्जी इक्विपमेंट, ऐसे अनेक सेक्टर से जुड़ी अनेकों कंपनियां वडोदरा में है। अब ये पूरा क्षेत्र भारत में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा हब बनने जा रहा है। और इसके लिए मैं आज गुजरात सरकार को, यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई को और उनकी पूरी टीम को उनकी आधुनिक औद्योगिक नीतियों के लिए, निर्णयों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। साथियों, वडोदरा में एक और खास बात है। ये भारत का एक महत्वपूर्ण कल्चरल सिटी भी है। ये हमारी सांस्कृतिक नगरी है। इसलिए आज स्पेन के आप सभी साथियों का यहां वेलकम करने में मुझे विशेष खुशी हुई है। भारत और स्पेन के बीच कल्चरल कनेक्ट का अपना महत्व है। मुझे याद है फादर कार्लोस वेले स्पेन से आकर यहीं गुजरात में बस गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष यहीं बिताए।